सादर नमस्कार साथियों, कल्याणम सेवा अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर एसबी तिवारी में आपको हृदय की गहराइयों से स्वागत वंदन एवं अभिनंदन करता है। साथियों, आज बात होगी होम्योपैथी की थैलेसेमिया वर्सा पोस्टेरिस की। जी हां साथियों, ये हमारी महिलाओं के लिए और यूरिन की समस्याओं के लिए इतनी महत्वपूर्ण दवा है कि आप पूरी जानकारी जब सुनेंगे और आप इसके परिणाम को जब देखेंगे, सचमुच में आपको बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं से छुटकारा दिलाएगा। अगर बात फीमेल की कर लें, महिलाओं की समस्याओं की बात कर लें, तो हमारी बहुत ऐसी माताएं बहनें हैं जिनको एक पीरियड से अभी फुर्सत मिला नहीं कि दूसरा पीरियड शुरू हो जाता। सोचिए क्या स्थिति होती होगी कि पीरियड लगातार आता ही रहता है, एक पीरियड अभी खत्म हुआ नहीं कि दूसरा आ गया, और पीरियड जब आता है तो बहुत ज्यादा जो है फ्रीक्वेंट आता है, बहुत तेजी से आता है, कॉपियस होता है, बहुत गाढ़ा होता है, और यहां तक कि इतना गाढ़ा होता है कि उनके कपड़े में उसके दाग जब लग जाते हैं तो यदि छूटते नहीं, बहुत भयंकर जो है यूटेराइन कॉलिक होती है, उनके यूट्रस एरिया में, पेल्विक एरिया में बहुत ज्यादा पेन होता है। उनको जो है एमसी जब आती है तो ऐसा लगता है कि यूट्रस एरिया बहुत ही टेंडर हो जाता है, कभी कभी तो इतनी ज्यादा पीरियड की स्थिति होती है कि वो समझ नहीं पाती हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे यूट्रस के अंदर कैंसर हो गया हो, यानी इस तरह की भी उनको कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि इतना ज्यादा ब्लीडिंग होती है। और साथियों, सबसे बड़ी चीज क्या है कि इस मेडिसिन को आप जब अच्छी से अच्छी एंटी हेमोरेजिक मेडिसिन आप यूज कर लेते हो और जब आपको रिस्पांस नहीं मिलता है, तब इस दवा को अगर आप प्रयोग करते हो तो आप और भी बढ़िया इससे रिस्पॉन्स पाते हो। इसके साथ ही साथ साथियों, क्या होता है कि आपके पेल्विक एरिया में ऐसा महसूस होता है कि बहुत भारीपन, और जब आप उठते हैं, ध्यान दीजिए, जब आप उठती हैं तो ऐसा लगता है पूरे ओम में, कमर में और बुटाक में जैसे लगता है कि दर्द होने लगा, क्योंकि इतनी ब्लीडिंग हो ही रहती है, इतना ज्यादा जो है इसको जो है ब्लीडिंग से परेशानी होती है कि पूरा ये कमर और पूरा हिप जो है फटने लगता। साथियों, अगर इस मेडिसिन की बात कर लें तो ये एंटी हेमोरेजिक के तौर पे होम्योपैथी की बहुत अच्छी दवाओं में यूज की जाती है, यानी जहां ब्लड न रुकता हो, और खास तौर से यूट्रस से संबंधित ब्लड की अगर बात करें, अगर आपको परेशान हो तो इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। कभी कभी साथियों ऐसी भी स्थिति देखी गई है कि बहुत हमारी ऐसी माताएं बहनें जो इनकम्प्लीट एबॉर्शन की शिकायत हो जाती, जैसे उनको कोई मेडिसिन ले ली और मेडिसिन लेने के बाद उनका ब्लड जो है लीकेज नहीं जाता है। देखे होंगे कि बहुत ऐसे लोग हैं जो एबॉर्शन की दवाएं ले लेती हैं, एबॉर्शन की दवाएं लेने के बाद वो बहुत देर तक, बहुत दिनों तक जो है पीरियड उनको लीकेज ब्लड जो है रिश्ता रहता है। तो ऐसी हमारी माताएं बहने जो इससे अगर परेशान है तो इस दवा का प्रयोग करेंगी तो उनको रिलीफ मिलेगा। वीडियो के लास्ट में मैं इसका डोज भी बताता हूं, अतः आप लोग पूरी वीडियो तक बने रहिएगा। बात अगर यूरिन की कर ले तो यूरिन के लिए भी साथियों ये बहुत अच्छी दवा है। कभी कभी आप देखे होंगे कि लोगों को कैथेटर तक लगाना पड़ता है, और अगर आपको बहुत दिनों से कैथेटर लगा है, आपको सही से यूरिन नहीं आ रही है, आप इस दवा से कैथेटर को निकलवा सकते हैं, यानी इस दवा के प्रयोग से आपका कैथेटर निकल जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि किसी को बहुत फ्रीक्वेंट यूरिन लगती है, और यूरिन फ्रीक्वेंट भी होती है और बहुत हैवी भी होती है, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में यूरिन होगी, बहुत तेजी से लगेगी, आपको थैलेसेमिया वर्सा यूज करना है। यूरिन में अगर फास्फेट की मात्रा डिटेक्ट हो रही, यूरिन का आपने कल्चर कराया और यूरिन में फास्फेट यानी फास्फेचूरिया अगर हो, तो आप जो है थैलेसेमिया वर्सा को आप दीजिए, बहुत अच्छा काम करेगी।
अगर आपने जांच कराया और जांच कराने के बाद यूरिन की समस्या तो है ही, लेकिन आपके अल्ट्रासाउंड में अगर सिस्टाइटिस आता है और आप तमाम दवाएं ले लेकर के परेशान हो गए हो, तो आप थ्रेसपी बरसा को कुछ दिन चला दीजिएगा, आपकी सिस्टाइटिस खत्म हो जाएगी। आपको यूरिन के साथ ब्लड आ रहा हो, ब्लड की आप दवाएं ले लेकर के परेशान हो और आपका ब्लड यूरिन से नहीं हो रहा, बंद हो रहा है, यानी हिमचोरिया आपको प्रोमिनेंट तरीके से हो रही है, आप थ्रेसपी बरसा को ले लीजिएगा, राहत मिल जाएगी। साथियों, कभी कभी क्या होता है कि हमारे गुर्दे में बहुत ज्यादा पेन होती है, किडनी में बहुत ज्यादा पेन हो जाती है, हो सकता है किडनी में स्टोन हो सकता है आपके यूरिन में इंफेक्शन हो और आपकी रीनल कॉलिक नहीं जा रही है, यानी कि किडनी की जो स्टोन है, किडनी की जो पेन है वो नहीं जा रही है, आप जो है इस मेडिसिन को यूज करिएगा, आपकी रीनल कॉलिक सही हो जाएगी। इसके साथ ही साथ साथियों, कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आपके पेशाब में छोटे छोटे जो है फब्बारे की तरह से निकल रहे हैं, आप यूरिन जब आप करते हो तो जैसे ऐसा लगता है कि यूरिन में छोटे छोटे फब्बारे निकल रहे हैं, तो इस तरह की अगर समस्या आए तो ये मेडिसिन आपके लिए बहुत ही अच्छी दवा है। साथ ही साथ साथियों, ये बहुत ही अच्छी दवा है अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ, यानी एंटी यूरिक एसिड, एंटी हेमोरेजिक के तौर पे अगर इस मेडिसिन को यूज किया जाए तो ये बहुत ही अच्छा काम करेगी। साथियों, आज अब आपने सिम्टम को समझ लिया, आइए इस दवा को कैसे प्रयोग करते हैं इसको जानते हैं। साथियों, इस दवा को लोअर पोटेंसी और मदर टिंचर में ज्यादा प्रयोग किया जाता है। जैसे सपोज करिए कि आपको यूरिन से संबंधित समस्याएं हैं, या आपको बहुत ज्यादा फीमेल से जो मैंने परेशानी बताई एक्यूट एंड इमरजेंसी है, तो ऐसे कंडीशन में आप मदर टिंचर का आप प्रयोग करिएगा। मदर टिंचर 15-15 बूंद सुबह दोपहर शाम, और इसके बाद इस दवा का आपने यूज किया, कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है कि आपको मदर टिंचर आपने यूज किया और आप इसका प्रभाव देखें लेकिन कुछ समस्याएं आपकी रह गई, तो आप इस दवा को डाइल्यूशन में यानी 30-200 में भी यूज कर सकते हैं। और साथियों, सबसे अच्छी चीज क्या होती है कि कभी कभी क्या होता है कि डोज को लेकर के आपको संशय की स्थिति हो जाती है, हम लोग भी ऐसे, आपको कैसे मैंने सिम्टम बताया, इस मेडिसिन को बताया, लेकिन कभी कभी कंडीशन आप की अगर सिचुएशन देखने के बाद जब डोज को डिसाइड किया जाए तो ये बहुत अच्छा काम करेगी। और इस दवा का प्रयोग आप चिकित्सक के परामर्श से ले सकते हैं, हम लोग भी आपकी सेवा कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आप कॉल करिए, कल्याणम सेवा के किसी भी शाखा में जा करके आप मिल सकते हैं, फोन कर सकते हैं, या अपने क्षेत्र के किसी भी अच्छे होम्योपैथिक चिकित्सक से मिल करके इस दवा का प्रयोग करें, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साथियों, ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियां अगर आप अभी तक ले रहे हैं, हमारे चैनल से जुड़े हैं, तो बहुत अच्छी बात है, इसलिए कि आपको गुण जानकारी सबसे अलग सबसे जुदा आपको दी जाती है। और अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा साथियों, इसलिए कि नित्य प्रति आपकी सेवा और आपको अच्छी अच्छी चीज जानकारियां ढूंढ करके लाना ही कल्याणम सेवा का मूल धर्म है। साथियों, अगले किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पे मैं पुनः आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।